की बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां आम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ पहुंचे हैं चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे प्रभारी और सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे। आम चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। तो आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती नजर आ रही है, लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच भाजपा के चुनाव प्रभारी जो है वो पहुंचे हैं लखनऊ, जहां पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा के चुनाव प्रभारी पांडा आज आए हैं और प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनने के बाद जो उनका पहला यूपी दौरा है, जिसमें वह तमाम जो रणनीति रहेंगी चुनावों को लेकर, इसको लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रजेश पाठक उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। सीएम योगी से भी आज वो मुलाकात करेंगे और आम चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। किस तरीके से बीजेपी की रणनीति रहेगी, जिस तरीके से यूपी में लगातार जो है विकास हुआ है और इसी को ढाल बनाकर लगातार जो बीजेपी है वो 80 की 80 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, कह रही है कि इस बार हमारे पाले में 80 की 80 सीटें आएंगी। तो ये कॉन्फिडेंस और इसको लेकर ही बीजेपी अब तैयारियों में जुटी हुई है, जहां आम चुनाव की तैयारियों को लेकर अब चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी पहुंचे हैं। यूपी चुनाव प्रभारी बनने के बाद ये पहली बार जो है उनका यूपी दौरा है, जहां पर वो तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी द्वारा घोषित 7 राज्यसभा प्रत्याशी भी नामांकन करने वाले हैं और पांडा नामांकन अवसर पर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वह प्रदेश के अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से बीजेपी जो है वह अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती नजर आ रही है, लगातार यूपी में तैयारियां तेज हैं। इस बीच बैजयंत पांडा जो है चुनाव प्रभारी वो पहुंचे हैं वहां पर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत जुड़ गए हैं। अनिकेत, देखिए चुनाव प्रभारी बनने के बाद उनका पहला दौरा है यूपी का और वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, चुनावी रणनीति जो रहेगी इस पर भी मंथन करेंगे। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ चर्चा की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? निशु, देखिए अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार चुनावी मोड में रहने वाला यह राजनीतिक दल, और हालांकि अगर निशु लोकसभा चुनावों की बात करें तो समय बहुत कम रह गया है, किसी भी समय चुनाव की तारीख में उनका ऐलान हो सकता है। हालांकि अगर बिजन पांडे की बात की जाए तो उनको प्रभारी बनाया गया और उनका पहला मौका ऐसा है जब वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच गए, तो साफ तौर पर आने वाले लोकसभा चुनावों में किस तरह से काम करना है, क्या समीकरण बैठाने हैं, क्या रणनीति तय करनी है, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो या पन्ना प्रमुख स्तर पर काम करने की बात हो या तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो देने की बात हो, तो हर रूप में हर दिशा में काम करने का जो प्रयास है, तमाम जो निर्णायक जो रणनीति तैयार करनी है उसको लेकर ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि वो राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं निशु, उन्होंने उनका स्वागत किया और जो महापौर लखनऊ की सुषमा खड़कवाल है वो भी उस एयरपोर्ट पर मौजूद रही थी। और बताया जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया होने के बाद में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह संगठन मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक मौजूद रहेंगे। तमाम जो वरिष्ठ नेता है पार्टनर पार्टी के उत्तर प्रदेश के वो इस बैठक में मौजूद रहने के साथ साथ जो निर्णायक जो नीति है, चाहे जनाधिकार बढ़ाने की बात हो या फिर वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात हो या फिर जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट पर काम करने की बात लगातार बीजेपी सरकार करती है उसको किस तरह से उस पर काम करना है, तो हर एक कोण पर हर एक एंगल पर कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की निश्चित साफ तौर पर जो लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है और जी बिल्कुल, और इन्हीं सीटों को जीतने का जो दावा है वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से, संगठन की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों में जीत सुनिश्चित कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पर 80 सीटों पर जीत का जो जो आंकड़ा लेकर बीजेपी चल रही है उस आंकड़े को छूने के लिए कहीं ना कहीं हर दिशा में हर कोण पर काम करने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या प्रदेश सरकार की योजनाओं, तमाम जो लोग लाभान्वित हुए उनसे दोचार होना या फिर उनको उनको तमाम उन योजनाओं के बारे में बताना हो, और अगर आने वाले समय में जब लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, तो इन तमाम चीजों की समीक्षा करना हिसाब से लोगों के बीच में जाने का जो प्रयास है वो देखने को मिलेगा। और उसी के क्रम में तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बूथ मैनेजमेंट को बेहतर करना,
जनाधिकार बनाना, उनको भी कहीं ना कहीं निर्णायक जो नीति और तमाम जो समीकरण है वो बताने का प्रयास, तमाम जो मूल मंत्र है वो देने का प्रयास विजयंत पांडे की तरफ से आज किया जाएगा निशुल्क। तो साफ तौर पर ये बेहद खास दौरा माना जा रहा है उनका, और कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी दौरे के दौरान में, और कहीं ना कहीं समीक्षा होती हुई नजर आएगी कि किस तरह से बीजेपी का जो जनाधिकार है वो यूपी में बढ़ा जाए। हालांकि हम देखते चले आ रहे हैं जिस तरह से जो प्रेजेंटेशन जो रहा बीजेपी का, जो जिस तरह से काम करती है बीजेपी नजर आई है अलग अलग चुनावों में, चाहे विधानसभा के चुनावों में देखें, और शायद यही कॉन्फिडेंस है जिसके चलते भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय भी यूपी में कम कर दिया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एग्जाम्स को लेकर कम कर दिया गया है, बोर्ड परीक्षाएं जो उनको लेकर कम कर दिया गया है, लेकिन इसको एक तरीके से जो चुनावी पंडित हैं वो भी इसको लेकर कह रहे हैं कि एक सरेंडर की तरह देखा जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी 80 की 80 सीटें कह रही है कि हम वो जीत लेंगे, और वही शायद ये कॉन्फिडेंस है जो कांग्रेस को लेट डाउन कर रहा है, नीचे ला रहा है कांग्रेस को। देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए एनडीए के विरोध में जो इंडिया गठबंधन बड़ा एक महागठबंधन कहा जा रहा है उसको, और 28 उसमें छोटे छोटे घटक दल उसमें शामिल किए गए हैं, और अब जिस तरह से देख रहे हैं वो कुनबा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की निश्चित, तो समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं जयंत चौधरी जो आरएलडी से जो एक बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं जाट समुदाय का, पश्चिमी यूपी से आते हैं, और जाट समुदाय में उनका कहीं ना कहीं अच्छा उनका प्रतिनिधित्व है। तो साफ तौर पर जो जो टूट पड़ती हुई नजर आ रही है उस गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं आगामी अगर लोकसभा चुनावों को देखें तो लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह की जो स्थितियां विपक्ष में देखने को मिल रही, इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के मंसूबे तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे करारी शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है निशुल्क। हालांकि अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो जनाधिकार उत्तर प्रदेश में खो चुका है उस जनाधिकार को पाया जाए। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती जरूर होगा राहुल गांधी के लिए निशुल्क कि किस तरह से जनाधिकार वो समेट पाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं पिछले चुनावों से अगर देखते चले आ रहे हैं कि जो स्थितियां हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में वो लगातार कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के चुनाव में प्रदर्शन अगर देखें तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, और अनिकेत अगर बड़ी तस्वीर भी देखें तो बड़ी तस्वीर पर भी कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। चाहे बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी चली गई, नीतीश कुमार चले गए, और अब की बार जयंत चौधरी चले गए, तो बड़ी तस्वीर में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं छिटकती जा रही है, कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी जो है वो अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है, लगातार वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच चुनाव प्रभारी भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी हमारे साथ।